अक्सर हर इंसान जिन सबसे ज़्यादा चीज़ों से परेशान रहता है वह है प्यार का न मिल पाना, पति पत्नी में लड़ाई, पैसों की घर में कमी या परिवार में किसी का बार बार बीमार हो जाना। अगर हम कहें कि इन सभी परेशानियों से आप तुरंत छुटकारा पा सकते हैं बस इस छोटे से उपाय से, जी हाँ दोस्तों यह उपाय तुरंत काम करता है, परंतु आपके लिए पहले ज़रूरी है कि यह सुनिश्चित हो जाना कि यह उपाय काम करेगा भी या नहीं। इसलिए आज हम आपको अपने ही एक सब्सक्राइबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन परेशानियों से बहुत दुखी था और कैसे उसने इस उपाय से अपनी हर परेशानियों का अंत किया। दरअसल झंझारपुर गांव के रहने वाले सतीश कुमार अपनी बीबी और एक बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। उनके कपड़े से जुड़ा व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक नई गाड़ी भी ले ली थी। परंतु जब उन्होंने गाड़ी ली तो नज़दीक के पड़ोसी उनसे मिलने आए और उनको बधाई दी और उनके इतने तेज़ी से तरक्की करने का कारण भी पूछा। अपनी इस तरक्की से सतीश कुमार जी काफ़ी खुश थे। परंतु दोस्तों आपको बुरी नज़र के बारे में तो पता ही होगा, जब ये किसी को लगती है तो अच्छा खासा परिवार बर्बाद कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ सतीश कुमार जी के साथ भी। दरअसल दोस्तों कुछ दिन बाद ही सतीश जी के कपड़े के गोदाम में आग लग गई जिस कारण उन्हें काफ़ी माल की हानि हुई। उस माल की भरपाई के लिए सतीश जी को कर्ज लेने तक की नौबत आ गई और उन्हें अपनी वह नई कार भी बेचनी पड़ी। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके घर में भी अक्सर लड़ाई का माहौल यानी क्लेश होने लगा कि सतीश जी अपने नुकसान से काफ़ी परेशान थे तो अक्सर अपना गुस्सा वह अपने परिवार पर ही उतार दिया करते थे। इसके साथ ही उनका व्यापार भी काफ़ी मंदा चल रहा था। अपने परिवार की खुशियां इस तरह छिन जाने से सतीश जी की पत्नी काफ़ी दुखी रहने लगी। एक दिन सतीश जी की पत्नी अपनी इस परेशानी के बारे में अपनी सहेली से बात कर रही थी तो उसकी सहेली ने कहा कि तुम्हें अपने घर में त्रिशक्ति कवच लेकर आना चाहिए क्योंकि तुम्हारी यह सभी समस्या का जो मुख्य कारण है वह है बुरी नज़र और घर में फैली नकारात्मक शक्ति। जब हम घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो हम और हमारे परिवार के सदस्य ही केवल घर पर नहीं घुसते बल्कि हमारे साथ आने वाली कई प्रकार की ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। इनमें से कुछ ऊर्जाएँ इतनी शक्तिशाली और नकारात्मक होती है कि न केवल इससे पैसों का नुकसान होता है बल्कि हमारे लिए अनेक परेशानियां और ये दुख भी लेकर आती हैं और किसी की बुरी नज़र भी यही काम करती है। यदि बुरी नज़र खतरनाक हो तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है और एक हंसते खेलते परिवार की ज़िंदगी उजाड़ के रख देता है। इसलिए वास्तु और ज्योतिष दोनों में ही इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने का सबसे जो उत्तम उपाय बताया गया है वह है त्रिशक्ति कवच। त्रिशक्ति कवच तीन शक्तियों से निर्मित होता है, त्रिशूल, ओम तथा स्वास्तिक। हमारे हिंदू धर्म में इन तीनों प्रतीकों का बहुत ही अधिक महत्व है। जहाँ भी ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं समझो उस घर में बरकत ही बरकत होती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि स्वास्तिक चिन्ह घर में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके दरवाजे पर ही रोक कर नष्ट कर देती है। वहीं ओम का चिन्ह काली शक्तियाँ, बुरी ऊर्जा, यहाँ तक कि मृत्यु से भी विजय प्राप्त करने वाली मानी जाती है। वहीं त्रिशूल भगवान शिव का शस्त्र है। जहाँ त्रिशूल रहता है वहाँ व्यक्ति के विचार, कर्म और स्वभाव तीनों ही सकारात्मक हो जाते हैं। इसे घर के मुख्य दरवाजे में आप बाहर की तरफ टांग दें, यह आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है जो आपके घर और आपके परिवार को हर बुरी शक्ति ऊर्जा से बचाता है। अपनी सहेली की बात मानकर सतीश की पत्नी ने त्रिशक्ति कवच मंगा लिया और पूरी पूजा विधि से अपने घर के बाहर दरवाजे पर टांग दिया। दोस्तों केवल एक हफ्ते के अंदर ही इसका असर होने लगा। सतीश का व्यापार अब फिर से अच्छा चलने लगा और जल्द ही उसने एक नई कार भी ले ली। अब सतीश का परिवार पहले से और अधिक खुश और सुखी संपन्न था। त्रिशक्ति कवच ज्योतिष और वास्तु दोनों के ज्ञान के आधार पर ही बनाया गया अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा कवच है जो हर प्रकार की बाधाओं का काट है। इससे परेशानी तो दूर होती ही है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु से भी यह आपको बचाता है, यानी कि कार का एक्सीडेंट या कोई भी खतरनाक दुर्घटना, इन सभी से यह आपकी रक्षा करता है और आपके परिवार की रक्षा करता है। परंतु इसे आप ऐसे ही अपने घर के दरवाजे पर न टांगे और न ही किसी भी दिन इसे टांग दे। दरअसल त्रिशक्ति कवच को टांगने का सबसे उत्तम दिन है सोमवार। सोमवार की सुबह नहा धोकर
आप इसके बाद अपने घर के मंदिर में त्रिशक्ति रख दें और पूजा आरती करने के बाद इस मंत्र को 3 बार बोलें और तीनों बार इस कवच में थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लेकर तीनों बार थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़के जब मंत्र समाप्त हो। मंत्र है दोस्तों, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। इस तरह त्रिशक्ति कवच शुद्ध हो जाएगा। इसे अब आप अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर टांग दें। यह आपके हर परेशानी को दूर कर देगा, भले ही वह पैसों से जुड़ी परेशानी हो या कोई अन्य परेशानी। दोस्तों, यदि आप ओरिजिनल त्रिशक्ति कवच खरीदना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर 8037097082 पर हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमारे पंडितों द्वारा आपके नाम की राशि और गोत्र के आधार पर सिद्ध किया जाता है ताकि इसका पूरा प्रभाव और लाभ आपको मिले। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।